ये देखें ये सीन चल रहा होता है, जिस तरह दरख्त पे अंगूर लटके होते हैं ना, इसी तरह के से इन्होंने लटकाए हुए होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 पेटियां हैं, और ये माल ऊपर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। नहीं नहीं बेहतरीन है, सही है, इसका डाइट है इसका नहीं, बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन। जनाब इस वक्त मैं हूँ मदनी मस्जिद फ्रंट एरिया के पास, और वहाँ पर जो है ना ज़बरदस्त चल रहा है, जन्नत का फल है उसका मिल रहा है जूस, और आवाम बड़े शौक से पी रही है, बड़ा रश लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन है। अच्छा, यहाँ की एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ खाने वगैरह दिखाए थे आपको, तो एक छोटा सा फूड स्ट्रीट बन जाती है जब ये इनका शब जुमा होता है, लोग आते हैं यहाँ पर तबलीग जमात के भाई हमारे, तो एक छोटी सी फूड स्ट्रीट बन जाती है और बहुत सारे टीए यहाँ पे लग जाते हैं, तो उसमें एक जो है ना ठेला, वो है अंगूर के शरबत का, तो दिखाते हैं सीन, मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि सीन और है। ये सामने मस्जिद मदनी मस्जिद है, और ये लोग चले चले आ रहे हैं जी शबे जुमा से, और शिरकत करने के लिए जा भी रहे हैं, तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे, ये पिछले साल भी हमने बनाया था एक वीडियो बनाई थी, तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये अंगूर इस तरह से इन्होंने लटकाए हुए होते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अट्रैक्शन इसमें आ रही होती है। और ये देखें ये सीन चल रहा होता है, जिस तरह दरख्त पे अंगूर लटके होते हैं ना, इसी तरीके से इन्होंने लटकाए हुए होते हैं, और बहुत ही टाइट सीन चल रहा होता है, और ये आवाम का रश आप देखें, सब भाई जो है ना वो पीने में लगे हुए हैं, जन्नत का फल जो है ना उसका शरबत सारे के सारे पीने में लगे हुए हैं, और ये सीन चल रहा है जी। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है हबीब बाबा जूस, और मदनी मस्जिद आयशा मंजिल का मशहूर जूस, और लियाकतबाद डाकखाने का मशहूर जूस, तो ये इसका मतलब है कि इनकी दो ब्रांचेस हैं, और एक ब्रांच इन्होंने ये खोली हुई है, यहाँ पर ये आ जाते हैं जमरात वाले दिन, और बाकी जो है वो लियाकतबाद में ही होते हैं, तो दिखाते हैं आपको सीन कि क्या सीन चल रहा है। अच्छा जी, ये सीन चल रहा है अंगूर के शरबत का, और आप ये देखें कि बर्फ़ से जो है ना लबालब भरी हुई है ये पतीला जो है, और ये सामने जो है ना जूसर मशीन है, इस मशीन में भाई जो है ना ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करके जूस को डालते हैं इसके अंदर, सामने इन्होंने अंगूर के दाने निकाल के रखे हुए हैं एक थाल के अंदर, और इस तरीके से वो यहाँ पर पहले ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद इधर आता है, और यहाँ से जो है ना फिर लोगों को सप्लाई होता है, तो ये चल रहा है सीन। ये भाई देखें, ये रखी है जी अंगूर की पूरी पूरी पेटियाँ रखी हुई हैं, सही ना, और ये पेटियाँ देखें, ये आज इनको ख़त्म करनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पेटियाँ हैं, और ये माल ऊपर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। अच्छा जी, हमारे साथ जो है ये हबीब बाबा जूस के ओनर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? सलाम सर, क्या आइडिया आया कि एकदम से आप वायरल हो गए सोशल मीडिया पे, जो देखो वो अंगूर के जूस की वीडियो बना रहा है और डाल रहा है, तो ऐसी क्या बात है आपके जूस के अंदर के भाई? ये मोहब्बत है लोगों की, लोग पी रहे हैं, अंगूर का जूस है, सफाई सफाई से बनता है, आप देख सकते हैं अंगूर का जूस भाई, यूनिक है, पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आइडिया कैसे आया, ये अंगूर आप गुच्छे लटका के और ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये वालिद साहब लगाते थे हमारे। अच्छा, उन्हीं का आइडिया था? उन्हीं का आइडिया है, हमने इसको यूनिक किया लॉकडाउन के बाद। अच्छा अच्छा, आपको पता है आपका जो सबसे बेहतरीन आइडिया ये अंगूर जो लटके हुए हैं ना, यही आइडिया है असल। वैसे तो बहुत सारे अंगूर के जूस बिक रहे होंगे, लेकिन ये जो है ना असल आइडिया। सारे भी नहीं, अभी एक तो जगह पे लगाया सर, बसाती मंडा का अंगूर का जूस अमूमन पाकिस्तान में कोई बनाता ही नहीं। अच्छा, ये बता दें कि आपकी कितनी ब्रांचें हैं और जूस कितने का दे रहे हैं? जी मेरी तकरीबन अभी तीसरी ब्रांच है, हफ्ते में एक दफ़ा आयशा मंजिल मदनी मस्जिद पे लगता है शबे जुम्मा में, अभी मैं जीदाबाद में इंशाल्लाह ऑन करने वाला हूँ मदनी मस्जिद के अनकरीबी करीब के अतराफ में, सही है। वैसे लियाकतबाद डाकखाने पे शाम को 7 बजे लगता है,
लगता है और तकरीबन रात के 2 बजे तक, और नाजमाबाद एक नंबर वुमेंस गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल सामने। हाँ अच्छा, नाजमाबाद वालों को जी, नाजमाबाद से गुजरने वालों को खासतौर पर गुजारिश है, एक तो बरसाती मेंढक वहाँ आ गए, मेरे वालिद साहब की फ़ोटो लगी हुई है, हमारा लोगो लगा हुआ है, आप खासतौर पर इसको देखें, देख के भी जूस पिए, जहाँ से भी जूस पिए अंगूर का आप खासतौर पर ट्राई करें पहले, उसके बाद आप पिए, उसको बोलेंगे भाई चेक कराओ। अच्छा ये बताएं, मदनी मस्जिद के बाद जो आप कह रहे हैं वो फिर डेली होगा? जी इंशाल्लाह, मेरा इरादा है कि डेली बेसिस पर। हाँ लोग परेशान होते हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि भाई हम आते हैं यहाँ परेशान होते हैं, हम आते हैं परेशान होते हैं, घूम घूम में चले जाते हैं लोग, मतलब कराची के दीगर इलाकों से आते हैं, कोई शेरशाह से आ रहा है तो कोई लियारी से आ रहा है, कोई मलीर से आ रहा है, कोई सुरजानी से आ रहा है, कोई गुलशन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई इस तरीके से लोग आ रहे हैं, कोई मेवाड़ से आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब लोगों का वो है कि भाई हम आए थे इधर और हमें मिला। ये बताएं कि जैसे अभी तो अंगूर का सीज़न है, अंगूर का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या लगाते हैं आप? हमारे पास जो सीजनी फल होगा ना उसका आपको जूस मिलेगा, जो सीजनी फल होगा। खास खास 2-3 नाम बता दें सर। हमारे पास अभी ये सीज़न आने वाला है ग्रेट फ्रूट का, अनार का, किन्नू का, इसका, बाकी स्ट्रॉबेरी होता है, चेरी होता है, इंशाल्लाह अभी पाइन एप्पल का आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं पिया हुआ जूस, पाइन एप्पल का शुरू करेंगे, मतलब फ्रेश जूस पाइन एप्पल का, और हम लोग का जापानी फल इंशाल्लाह इस साल हम इंट्रोड्यूस कराएंगे हम आपको, हम लोग का जापानी फल आपने पूरे पाकिस्तान में देखा, और पाइन एप्पल का भी जूस जिस तरीके से हम लगाएंगे आपने पूरे पाकिस्तान में देखा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। बाबा का जूस जो है मेरे सामने हाजिर है, मैंने कहा भाई आप यहाँ पर आए हैं, वीडियो बनाए हैं, तो अगर जूस ना पिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो ये ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो सुभान अल्लाह, हाँ हाँ वाकई में सुभान अल्लाह, जन्नत का फल है भाई अंगूर, और कहते हैं कि जन्नत में जो है ना अंगूर भी आपको मिलेंगे। खैर इस तरह के हमारे जो दुनियावी अंगूर नहीं होंगे वो ज़रा वो थोड़ा लज्जत वाले होंगे, तो खैर बेहतरीन है, रिफ्रेशिंग है, और ख़ासकर जो लोग मेहनत करके आ रहे होते हैं यहाँ पे और सारे दिन के मेहनत करने वाले लोग होते हैं, शाम को आके ये जूस पियेंगे तो मज़ा आएगा ज़्यादा भाई। ज़बरदस्त किस्म का आला और अरफा और रिफ्रेशिंग जूस मैंने पी लिया है, क्योंकि बहुत ही रिफ्रेशिंग था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।